हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे अंगरखा कुर्ती बच्चों के लिए कैसे उसकी कटिंग और स्टिचिंग करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बना रहे हैं 2 साल के बच्चे के लिए कुर्ती। इसे आप गर्ल्स बॉयज़ किसी के लिए भी बना सकते हैं। तो कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम लेंथ ले लेंगे। तो यहाँ पर मैं लेंथ ले रही हूँ 17 इंचेस। आप किसी कुर्ती के नाप के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं, उसमें जितनी लंबाई है आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 17 इंचेस और ऊपर से 1/2 इंच इस तरह से एक्स्ट्रा छोड़ देंगे। और अब हम नेक की मार्जिन को लेंगे। तो नेक के लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं 2.5 इंच और शोल्डर के लिए भी यहाँ पे हम ले रहे हैं 2.5 इंच। तो टोटल हमारा 5 इंचेस हो जाएगा। अब हम आर्म होल को मेजर करेंगे। तो आर्म होल को मैंने डाउन रखा है 5 इंचेस और यहाँ पे मैंने जो भी आपका चेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे उसे नाप लें। अब हम यहाँ पे शोल्डर की गोलाई दे रहे हैं। तो शोल्डर की गोलाई यहाँ पे हम देंगे, ऊपर से मापेंगे तो वो हमारा हो जाएगा 2.5 इंचेस। अब हम यहाँ पे वेस्ट नापेंगे। तो वेस्ट भी हम यहाँ पे डाउन रखेंगे कितना, 5 इंचेस रखेंगे। और यहाँ पे हम स्टिचिंग के लिए सीमिंग अलाउंस देंगे कितना, 1 इंचेस देंगे। तो जो भी आपका मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम इस तरह से मेजर कर लेंगे। तो यहाँ पे अब हम इस तरह से इसे मार्क कर देंगे। तो ये देखिए, ये हमारा मेजरमेंट हो गया है। अब हम इसे इस तरह से कट कर लेंगे। ये मैंने बैक पार्ट को पहले कट किया है, फिर अब हम फ्रंट पार्ट को कट करेंगे। तो फ्रंट पार्ट को कट करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले इस तरह से हम बैक पार्ट को फ्रंट के ऊपर रखेंगे और सामने की तरफ से 2 इंच कपड़ा यहाँ पे हम इस तरह से एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें अंगरखा स्टाइल बनाना है। तो अंगरखा को शेप देने के लिए यहाँ पे हमें इस तरह से 2 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। और अब हम जिस तरह से हमने बैक की कटिंग की थी उसी तरह से अब हम पूरा इस तरह से इसे मेजर कर लेंगे। अभी हम थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर के मेजर करेंगे ताकि बाद में अगर कुछ नाप अगर कुछ ऊपर नीचे हो तो उसे हम अकॉर्डिंग कट कर सकें। तो ये देखिए, ये अब हमने फ्रंट और बैक पार्ट दोनों को कट कर लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट के नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक की कटिंग करने के लिए यहाँ पे हमने जो 2.5 इंचेस लिया था उसी पे मार्क करेंगे और डेप्थ देंगे यहाँ पे हम। आप 2.5 इंचेस भी दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा 3 इंचेस दिया है। और इस तरह से मार्क करते हुए यहाँ पे इस तरह से अब हम इसे शेप दे देंगे। आप किसी भी शेप को दे सकते हैं, मैं यहाँ पे वी शेप दे रही हूँ। और अब हम इसे इस तरह से कट कर लेंगे। ये देखिए, बहुत ही सिंपल तरीका है अंगरखा की कटिंग करना। अब हम फ्रंट पार्ट को इस तरह से कट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे हमें कॉलर लगाना है। तो इस तरह से अब हम यहाँ पे इस पूरे को कट कर देंगे। तो ये देखिए, ये हमारा कुछ इस तरह से शेप आएगा। बहुत ही अच्छा और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताया है। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग करने के लिए हमने जिस तरह से पहले और वीडियोज़ में कटिंग किया है उसी तरह से यहाँ पर भी कट करेंगे। यहाँ पर हम टोटल कपड़े की लंबाई ले रहे हैं, विड्थ हम लेंगे यहाँ पे 6.5 इंचेस और यहाँ पे हम हल्का सा डाउन देंगे 2 इंचेस का। और अब हम यहाँ पे मार्क करेंगे 5.5 इंचेस। आप चाहे तो 5 इंचेस भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हम टोटल लंबाई ले लेंगे 11 इंचेस, क्योंकि यहाँ पे फोल्ड करके मार्जिन के साथ मैंने लिया है। और यहाँ पे इस तरह से अब हम पूरे स्लीव्स को अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट हम क्या करेंगे, जैसे हमने मेजर किया उसी के हिसाब से अब हम पूरे को इस तरह से मिलाते हुए अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए, ये हमारी स्लीव की कटिंग हो गई है। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह से लगेगा। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया, ये हमारा बैक पार्ट हो गया और ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई। तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग देख लेते हैं। स्टिचिंग के लिए सबसे पहले हम इस तरह से पिन के हेल्प से पूरे कपड़े को अच्छे से सेट कर लेंगे। और यहाँ पे अब हम सबसे पहले शोल्डर को जॉइंट कर देंगे इस तरह से। तो देखिए, ये हमारा शोल्डर जॉइंट हो गया है। शोल्डर को हमने स्टिच कर दिया इस तरह से। और बैक पार्ट में, यहाँ पे मैं रिकॉर्ड होना छूट गया है थोड़ा सा, बैक पार्ट बैक नेक की जो कटिंग करेंगे हम, तो बैक नेक हम 1/2 इंच या उससे भी थोड़ा सा 1 इंच के अकॉर्डिंग उसमें हम कट कर देंगे। अब हम 3 इंच 3 इंच चौड़ी यहाँ पर इस तरह से स्ट्रिप लेंगे और इससे अब हम
कॉलर बनाएंगे। तो ये देखिए, ये हम इस तरह से जो हमारा जो फ्रंट में जो हमने जो स्लिट को कट किया था उसमें अब हम इस तरह से इसको अटैच कर देंगे। हम 3 इंच लेंगे तो हमारा हाफ इंच, इसको जब हम फोल्ड करेंगे तो ये हमारा 1.5 इंच हो जाएगा, जिसमें हाफ इंच इसमें सिलाई में चला जाएगा, तो हमारा 1 इंच या उससे थोड़ा सा कम हमारा कॉलर बन के तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए, ये इस तरह से अब हम कोने को अच्छे से इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पे थोड़ा सा लूज रखते हुए कपड़े को इस तरह से कॉलर लगाएंगे यहाँ पे। तो ये देखिए, इस तरह से अब हम स्टिच कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो ये देखिए, ये अब हम कॉलर इस तरह से बिना खींचे कपड़े को अच्छे से यहाँ पे जॉइंट है वहाँ पे हम कपड़े को खींचेंगे नहीं, इस तरह से कपड़े को घुमाते हुए अच्छे से कॉलर को बिना खींचे लगा देंगे। तो ये देखिए, कॉलर बहुत आसानी से यहाँ पे लग जाएगा। तो ये देखिए, ये यहाँ पे इस तरह से अब हम पूरे कॉलर को अच्छे से यहाँ पे स्टिच कर देंगे। लंबाई आप जितनी चाहे उतनी ले सकते हैं, लेकिन चौड़ाई हमें यहाँ पे 3 इंच ही रखना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये हमने इस तरह से पूरे कॉलर को स्टिच कर दिया यहाँ पे। तो देखिए, ये हमारे कॉलर की स्टिचिंग हो गई है। अब हम पूरे कॉलर में इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगा देंगे, ये देखिए, ताकि हमें कॉलर को मोड़ने में आसानी हो। इस तरह से अब हम इसमें पूरे कॉलर में इस तरह से कट कर देंगे, जहाँ पे राउंड शेप आएगा वहाँ पे इस तरह से हम कट कर देंगे। इस तरह से हम इसे कट कर देंगे और अब हम इसमें इस तरह से ऊपर की स्टिचिंग कर देंगे, टॉप स्टिच दे देंगे, ताकि हमारा जो कॉलर है वो बैठ जाए। तो देखिए, इस तरह से अब हम इसे इस तरह से यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे, इस तरह से अच्छे से कोने को निकालते हुए यहाँ पे इसे स्टिच कर देंगे। यहाँ पे हमने वी शेप के नेक को बनाया है, तो यहाँ पे हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा नेक को बनाने में। इसे हम इस तरह से अच्छे से पूरे नेक पे स्टिच कर देंगे। ये देखिए, ये हमारे कॉलर की स्टिचिंग हो गई है। अब इसके अंदर जो कपड़ा बचा हुआ है उसे अब हम इस तरह से, ये देखिए, ये हमने जहाँ पे कोने को निकाला था वहाँ पे इस तरह से कपड़े को रखते हुए अच्छे से यहाँ पे स्टिच कर देंगे। हमारे कॉलर की स्टिचिंग हो गई है। अब अगर कपड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो इसे अब हम इस तरह से, या कपड़ा जो हमने स्टार्टिंग में जो हमने एक्स्ट्रा लिया था उसे अब हम नया अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट नाप लेते हुए इस तरह से अब हम कपड़े को, जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे अब हम इस तरह से कट कर देंगे। ये देखिए, ये हम इस तरह से शोल्डर्स को अच्छे से कट कर देंगे और अब हम इसे साइड से स्टिच कर देंगे। तो चलिए, अब हम स्लीव्स को देख लेते हैं। अब हम स्लीव्स को अटैच करेंगे, तो अब हम स्लीव्स को स्टिच कर लेंगे। तो सबसे पहले हम स्लीव्स के कफ को इस तरह से हल्का सा मोड़ते हुए स्लीव्स को स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से यहाँ पे मैंने फुल स्लीव्स बनाया है, आप चाहे तो हाफ, थ्री क्वार्टर कुछ भी बना सकते हैं। 3/4 स्लीव्स बहुत अच्छी लगेगी इसके ऊपर। तो ये देखिए, मैंने इसे स्टिच कर दिया है। अब हम इसे अपने कपड़े के साथ इस तरह से स्लीव्स को अटैच कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से इसको फिर रखते हुए अब हम पूरे स्लीव्स को अच्छे से स्टिच कर देंगे। कपड़े को खींचेंगे नहीं, बिना कपड़े को खींचे इस तरह से अच्छे से रखते हुए यहाँ पे हम स्टिच कर देंगे। इसी तरह से हम दूसरे स्लीव्स को भी स्टिच कर लेंगे, जैसे हम इस तरह से इस स्लीव्स को अटैच कर रहे हैं वैसे दूसरे को भी अटैच कर लेंगे।
सेम प्रोसेस है दोनों को अटैच करने का। तो ये देखिए, ये हमारा स्लीव्स अटैच हो चुका है। यहाँ पे मैं स्लीव्स के ऊपर डबल स्टिच कर रही हूँ, आप चाहे तो डबल स्टिच कर भी सकते हैं और इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए, हमारा स्लीव्स अटैच हो गया है। अब हम फिटिंग की सिलाई देंगे। तो फिटिंग की स्टिचिंग करने के लिए इस तरह से हम स्लीव्स को पहले स्टिच करते हुए अब हम पूरे बॉडी को इस तरह से पूरा स्टिच नहीं करेंगे, नीचे में थोड़ा सा कपड़ा छोड़ देंगे, वहाँ पे हमें स्लिट बनाना है। ये देखिए, इस तरह से फिटिंग की सिलाई दे देंगे। तो इस तरह से फिटिंग की सिलाई देते हुए यहाँ पे हम, जब हमारा 2-3 इंच कपड़ा बच रहा है, तो हम यहाँ पे इस तरह से इसे स्टिच को लॉक करते हुए यहाँ पे स्टिच कट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें स्लिट बनाना है साइड में। अब हम दूसरे स्लीव्स को भी इसी तरह से मेजर करते हुए यहाँ पे इसे भी हम फिटिंग की सिलाई दे देंगे। सेम जैसे हमने उस साइड स्टिच किया, वैसे हम इस साइड भी इसी तरह से जो हमारा मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टिच कर देंगे। देखिए, ये दोनों स्लिट को इस तरह से बराबर करते हुए यहाँ पे इस तरह से हम, आप चाहे तो डबल स्टिच भी कर सकते हैं। यहाँ पे भाई ने डबल स्टिच कर दिया है। देखिए, ये हमारे दोनों साइड्स की फिटिंग हो गई है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने कॉलर में जो हमारा जो 1/2 इंच का कपड़ा बचा हुआ था उसे इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पे फिनिशिंग की सिलाई दे देंगे। देखिए, इस तरह से कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ पे हम अच्छे से कॉलर को स्टिच कर देंगे। ये मैंने पहले नहीं किया, बाद में किया, ताकि कपड़े में स्टिचिंग में अच्छे से फिनिशिंग आए, यहाँ पे कपड़ा अच्छा लगे हमारा कॉलर देखने में। तो अब हमारे यहाँ पे कॉलर अच्छे से कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे जो हमने जो कपड़ा छोड़ा था उसमें हम इस तरह से स्लिट बना लेंगे, जैसे हम कुर्ते में बनाते हैं, कुर्ती पे वैसे ही बिल्कुल यहाँ पे भी स्टिच कर दे रहे हैं इसे इस तरह से। यहाँ पे इस तरह सिंगल स्टिच देंगे, दोनों साइड में इसी तरह से स्टिच कर देंगे। स्लिट को स्टिच कर दिया। अब हम दूसरे स्लिट को भी इस तरह से ही स्टिच कर देंगे। देखिए, यहाँ पे सुई को इस तरह से घुमाते हुए यहाँ पे कपड़े को इस तरह से फोल्ड करते हुए चाक की तरह यहाँ पे इस तरह से बना देना है। देखिए, हमारा स्लिप बन के तैयार हो गया। अब हम नीचे कपड़े को इस तरह से कपड़े को रखते हुए अब हम पूरे कपड़े को इस तरह से हर साइड से यहाँ पे ऐसे करके फोल्ड कर देंगे। तो अब हम हमारा कुर्ता कुछ इस तरह से दिखने में लगेगा, बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कैसा बना है कुर्ता। थैंक यू।